Salam Aleikum. Shalom Aleichem. I am most honored to speak to you today as a Jew and an American in this magnificent city of Cordoba, a place where once long ago Muslims, Jews, and Christians lived together in peace. जेकब बेंडर एक अमरीकी यहूदी फिल्म मेकर हैं जो आजकल अपनी नई फिल्म आउट ऑफ कर्दोबा की दुनिया भर में स्क्रीनिंग्स के सिलसिले में मसरूफ हैं। जेकब ने अपनी फिल्म में अंडालूसिया या मुस्लिम स्पेन के उस दौर की मंजरकशी की है जब तकरीबन हजार बरस कबल मुसलमान, यहूदी और ईसाई साथ रहते और काम कर रहे थे। ये वो ज़माना था जब मुसलमानों और यहूदियों ने मिलकर दुनिया को जुग्राफिया, रियाजी, फलकियात, तिबियात और तिब जैसे उलूम पहली बार मुतारफ़ करवाए थे और जो आज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जेकब ने अपनी फिल्म में उस दौर की दो नामवर शख्सियात अवरोइस और मेमानडीज के कामों को नुमाया करने की कोशिश की है। Because after 9/11, many people began to talk in a way which was very prejudicial against Muslims and blaming Islam for these attacks. जेकब का कहना है कि 9/11 के बाद सारी दुनिया में बेशतर लोग मुसलमानों को उसका जिम्मेदार ठहराने लगे, जो जेकब की नज़र में एक ज्यादती थी। जेकब चाहते थे कि वो उसका कोई मौसर जवाब दे, और वो भी इस तरह कि उस जवाब में एक ऐसे जमाने का जिक्र हो जब मुसलमान, यहूदी और ईसाई मिलकर काम कर रहे हों। और यही जेकब की फिल्म आउट ऑफ कर्दोबा का मकसद है कि ऐसे ही मुस्बत दौर की मंजरकशी की जा सके। On the one hand, we had many people clustered around the Bush administration talking about a clash of civilizations between जेकब कहते हैं कि एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि इन तीनों तहजीबों के बीच सख्त लड़ाई या जंग मुतवक्के है, जिसे दूसरी जबान में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस भी कहा जाता है, और दूसरी जानब वो लोग थे जो माजी की जानब देख रहे थे और कह रहे थे कि अगर कर्तबा में एक ऐसा दौर गुजरा है जब इन तीनों मजाहब के मानने वाले अमन के साथ रहते और काम कर रहे थे, तो फिर दोबारा ऐसा दौर क्यों नहीं आ सकता। जेकब ये भी कहते हैं कि एक तवील अरसे तक यहूदियों ने मुसलमानों के साथ पुरअमन फिजा में वक्त गुजारा है और एक दूसरे से सीखा भी है, जिसकी एक बड़ी मिसाल इन्हें अपनी रिसर्च के दौरान दो ऐसी शख्सियात में मिली जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मुसलमानों और यहूदियों को करीब लाने में गुजारी और दोनों मज़ाहिब के मानने वालों को अपनी अपनी खसूसियात लेकर मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों के लिए एक इनकलाबी पैगाम छोड़ा। अवरोइस एक मुसलमान मुहक्किक और मेमानडीज एक यहूदी आलम थे, और बकौल जेकब के इन दोनों शख्सियात की जिंदगियों पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है ताकि ये देखा जा सके कि किस तरह इन दोनों रोशन ख्याल स्कॉलर्स ने मजहब, साइंस, रियाजी और दूसरे माशरती उलूम के बारे में लिखा और अंडालूसिया के उस दौर में अपनी साख बनाई। And I hope millions of people around the world will see it, inshallah. जेकब की ख्वाहिश है कि सारी दुनिया के लोग इन दोनों मुहाक्किकीन के बारे में जानें और इनकी ज़िंदगियों से कुछ सीखने की कोशिश करें, खास तौर पर यूरोप और मगरब के अवाम जो समझ रहे हैं कि इस्लाम इनके मुल्कों पर काबिज़ हो रहा है। बकौल जेकब के, इन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम बुनियादी तौर पर यूरोप में परवान चढ़ने वाला मजहब है, जिसने यूरोप और मगरब की सकाफतों को आगे बढ़ने में बेहद मदद फराम की है। जेकब मजीद कहते हैं कि मगरब के साइंसी इनकलाब की बुनियाद असल में मुसलमानों ने डाली थी और ये पहलू मगरब की तरक्की में नुमाया तौर पर नजर आता है। और अगर आप मौजूदा यूरोपीय मजामीन जैसे फलकियात, रियाजी और केमिस्ट्री पर नजर डालें तो आपको कर्तबा के दौर की चीजें ही मिलेंगी। जेकब कहते हैं कि मगरब के अवाम अपनी तरक्की का सबब अपने आप को ठहराते हैं, जबकि इन्हें अपने से कबल इस्लामी स्कॉलर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। And let me get you right. You are an American Jew. Correct. And you have all these things to say about Muslims. Correct. Because I understand from my reading of history that we owe Islam a debt. क्योंकि आम तौर पर अमरीकियों और यहूदियों के बारे में मुस्लिम दुनिया में अच्छे तासरात नहीं पाए जाते, इसीलिए मैंने जेकब से पूछा कि एक यहूदी अमरीकी होने के बावजूद मुसलमानों के बारे में वो इतनी पुरउम्मीद बातें कैसे कर रहे हैं। जेकब ने जवाब में कहा कि उन्होंने माजी पर जितनी भी रिसर्च की है, इससे इनको ये मालूम हुआ है कि मगरबी दुनिया इस्लाम के कर्जदार हैं। जेकब मजीद कहते हैं कि यहूदियों ने 800 साल से भी ज्यादा का अरसा मुस्लिम दुनिया में गुजारा और वहाँ उन्होंने एक महफूज और अच्छी जिंदगी गुजारी, और ये कि यहूदी सकाफत ने इस्लाम से उलूम फ़नून और दूसरे मजामीन के बुनियादी ढांचे लिए हैं और यहूदी ज़बान की ग्रामर में ये ढांचे आपको नुमाया तौर पर नज़र आते हैं और इसीलिए अरबी और हिब्रू में आपको बहुत से मुश्तरक पहलू मिलेंगे। And it's impossible to understand Jewish civilization without understanding its deep roots within
اسلام. جیکب نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ ناممکن ہے کہ آپ یہودی ثقافت کو اسلامی ثقافت کے بغیر سمجھیں، کیونکہ اصل میں یہ دونوں ثقافتیں ایک دوسرے پر انحصار کر چکی ہیں. مگر جیکب اس بارے میں بات کرنے والے اکیلے یہودی نہیں. بقول فلم ساز جیکب بینڈر کے، بے شمار سکالرز یہی بات کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، مگر ان دونوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے یہ نظریہ اجنبی ہے. عمران صدیقی، اردو وی او اے، شکاگو.